रहता का उल्टा चश्मा। सर। हाँ क्या? अरे अरे वो लोग को रोको उधर ही। और तू इधर आ। रुकिए आप लोग। हाँ हम दोनों का फोटो खींच। जल्दी जल्दी जल्दी। जी सर। ए सामने देख। हो गया? जी सर। दिखा दो, दिखा दिखा। सामने से। सर देखिए, ठीक से आया ना? हाँ, हाँ बराबर है। तो बुला लो सर। हाँ बुला बुला लो। आ जाइए। आइए आइए, देखिए देखिए देखिए। हाँ आगे बढ़िए आगे बढ़िए। हाँ आगे बढ़िए आगे बढ़िए। देखते देखते एक ही जगह खड़े रहेंगे तो पीछे वाले कैसे देखेंगे? इसलिए देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जल्दी जल्दी यहाँ भीड़ मत कीजिए प्लीज। आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। हो गया सबका? दोस्तों आज मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए, द ग्रेट रॉबरी ऑफ पोपटलाल गोल्ड हैज बीन सॉल्व बाय नन अदर देन वन एंड ओनली इंस्पेक्टर क्या लू पांडे। ये जो आप देख रहे हैं ये है पोपटलाल का सोना, और ये जो आप देख रहे हैं ये है पोपटलाल के सोने का चोर। नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं की है, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने चोरी नहीं। मंगलसूत्र पेंडेंट बैंगल झुमके हाथवी ऊपर जिन गहनों के बारे में बताया था वो सारे इसमें हैं। अब आप लोगों को समझ में आया कि जेठालाल बार बार घर की तलाशी लेने से क्यों रोक रहा था? अपनी चोरी को छुपाने के लिए। नहीं नहीं चालू पांडे जी, मुझे तो खुद को पता नहीं है ये सोना मेरे घर में आया कहां से। मैं बताता हूं ना, जैसे ही आदरणीय शिक्षक जी तुम्हें सोने का डिब्बा देकर गए, तुमने वो सोने का डिब्बा खोल देखा, तुम्हारे अंदर की लालच जाग उठी, उसके साथ साथ चोर भी जाग उठा। आव न देखा न ताव देखा, उस सोने को चुरा कर अपने घर में छुपा कर रख दिया। और बोले वाले बनकर उस खाली डिब्बे को कविता जी को दे दिया। देवो चेता भाई, चेता भाई इतना बड़ा झूठ। जेठालाल कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारा ऐसा क्रिमिनल माइंड है। बबीता जी मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। तो फिर ये सारे गहने आपके घर से कैसे मिले? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है बबीता जी। जेठालाल तुम देख रहे थे कि टेंशन की वजह से मैं कितना परेशान हो रहा था, मेरा बीपी बढ़ गया था, यहाँ तक कि मैं बेहोश भी हो गया था, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे भिड़े को कुछ हो जाएगा, इससे अच्छा मैं बता दूं कि गहने मेरे पास है। जेठा भाई इनको कुछ हो जाता तो सही बात है। जेठा भाई अरे तो इसका क्या जाता? दिलज्ज निष्ठुर जेठा प्रात, तो तुम ही ऐसा कर सकते हो, ये मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। जेठा भाई को देख के लगता नहीं था वो ऐसा करेंगे। सही बात है जेठा भाई, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, है ना कोमल? एब्सोल्युटली, इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। अच्छा है तारक यानी अपने परम मित्र के ऐसे करतूत देखते बहुत दुख होता। दुख होता क्या अंजलि भाभी?
वो इधर होते तो वो भी पीढ़ी भाई की तरह चक्कर खा के गिर जाते। और जेठालाल, ये ऐसी हरकत करने से पहले तुमने चाचा जी के बारे में जरा भी नहीं सोचा कि अगर उनको पता चलेगा तो उनपे क्या बीतेगी? हाँ।